तो जी ये साल का वो समय है जब शुरू हो जाती है चार धाम यात्रा और पूरे विश्व भर से लोग आते हैं चार धाम यात्रा के लिए भारत के उत्तराखंड राज्य में, जो कि भारत के उत्तर में बसा हुआ है। और मैं भी गई कुछ दिनों पहले गंगोत्री धाम, और आपको इस वीडियो में पूरी जानकारी देने वाली हूँ कि आप कैसे दिल्ली से अपनी यात्रा शुरू कर सकते हैं गंगोत्री के लिए, और क्या क्या ट्रांसपोर्ट के मोड हैं, कितना बजट होना चाहिए, कहाँ ठहर सकते हैं, सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। हेलो नमस्ते एंड वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल एवरीबॉडी। मेरा नाम है हिमानी और आ गई हूँ एक नए वीडियो के साथ। जैसा कि आप सबको पता है कि रिसेंटली मैं गंगोत्री और यमुनोत्री धाम से यात्रा करके आई हूँ, और जब से मैंने वो सारे वीडियोस मेरे चैनल पे डाले हैं, एक सवाल जो कि सबसे ज्यादा पूछा गया मुझसे कि ये कि आपने स्टे कहाँ पर किया, कितने रुपए का होटल मिला, और कितने में आपने टैक्सी की, कितने में आपने बस की, बस आपको कहाँ से मिली, और इस तरीके के सारे सवाल पूछे जा रहे हैं। क्योंकि मैंने ये ट्रिप एकदम बजट में किया है, अनप्लान ट्रिप था, उसके बावजूद भी मुझे बहुत सारी चीजों के लिए सफर जरूर करना पड़ा, थोड़ा सा सफर के साथ साथ सफर भी करना पड़ा, पर कोई बात नहीं, आप उसी से सीखते हो। और मैंने भी अपनी पूरी यात्रा के दौरान बहुत सारी चीजें सीखी, तो मैंने लिस्ट डाउन करी है वो सारी चीजें जो मुझे आपको बतानी है इस वीडियो में, कि आप दिल्ली से अगर गंगोत्री की यात्रा करना चाहते हैं तो कहां से बस मिलेगी, कितने रुपए लगेंगे, कहां पे स्टे कर सकते हो, बीच में क्या ऑप्शंस है, एवरीथिंग आई गॉट यू कवर्ड। तो इस वीडियो में हम डिटेल में आराम से इत्मीनान से इस बारे में बात करने वाले हैं। इस वीडियो को पूरे एंड तक देखिएगा, एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो आखिरी में लाइक का बटन दबा देना, सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर देना, एंड विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड विद दिस वीडियो। तो सबसे पहले मैंने ली दिल्ली से देहरादून की बस। दिल्ली से देहरादून के लिए आपको हर आधे घंटे में ISBT से बस मिल जाएगी। ऑर्डिनरी बस से लेके वॉल्वो बस से लेके AC लग्जरी बसेस तक चलती है देहरादून के लिए, जो कि आपको कुछ ऑर्डिनरी बस में अगर आप जाते हैं तो आपको 400 रुपए में मिल जाएगी, AC वॉल्वो बस में जाते हैं तो उसका किराया डबल हो जाता है जो कि 800 रुपए। इसकी टिकट जो है मैंने बुक की थी उत्तराखंड रोडवेज, जो ऐप है आप डाउनलोड कर सकते हो अपने एंड्रॉइड फोन पे। और अगले दिन सुबह मेरी हॉस्टल में हुई, जहाँ से मैंने ऑटो लिया 30 रुपए में, जो मुझे ISBT उतारा उन्होंने। और ISBT देहरादून पहुँचने के बाद हमें पता चला कि गंगोत्री के लिए डायरेक्ट कोई बस नहीं है, और ना ही उत्तरकाशी के लिए। उत्तरकाशी के लिए सुबह एक बस चलती है जो कि 5 बजे रेलवे स्टेशन के पास से आपको मिल जाएगी, ऐसी इन्फॉर्मेशन हमें लोकल्स ने दी। उसके बाद हमें सजेस्ट किया गया कि आप रिस्पन्ना पुल चले जाओ जो कि देहरादून में आता है, जहाँ पर से हमें ट्रैकर मिल जाएगी, इस तरीके की गाड़ियाँ जो कि आपको शेयरिंग में लेकर जाती है। 400 एक आदमी का। तो हमारे पास लास्ट ऑप्शन यही था कि आज हम सिर्फ उत्तरकाशी ही पहुंच सकते थे, और हमने इनको 400 रुपए दिए पर पर्सन उत्तरकाशी के लिए। और गर्मी में हमारी हालत कुछ ज़्यादा ख़राब हो गई, क्योंकि 1.5 घंटे लगे इस पूरी टैक्सी में 10 लोगों को बिठाने के लिए, क्योंकि कोई आ ही नहीं रहा था। बट इट इज़ वॉट इट इज़। बस ऐसे ही फिर आगे हम दोनों चिल करते हुए रास्ते का आनंद उठाते हुए और मसूरी से होते हुए, क्योंकि हमारी गाड़ी गई उत्तरकाशी, और कुछ झटके भी खाते हुए हम बस पहुंच गए नज़ारों को निहारते हुए हमारे फर्स्ट स्टॉप में, जहां पर हमने लंच किया। तो इस जगह पे हमने लंच किया, और लंच के लिए 80 रुपये पे किया इस थाली के लिए, विच इज़ क्वाइट इकोनॉमिकल, और बहुत ही अच्छा स्वादिष्ट खाना था। और उसके बाद अगेन हमारी जर्नी जो है उत्तरकाशी के लिए शुरू हो गई। रास्ते में बहुत जगह कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था, और बहुत सारी ट्रैफिक जैम में भी फंसने के बाद हम रात को सनसेट देखते हुए, मतलब रास्तों में सुंदर नज़ारे देखते हुए पहुंच ही गए आखिरकार उत्तरकाशी। और उत्तरकाशी में पहुंचने के बाद हमने होटल के लिए देखा, तो हमें मेन रोड में जहां पर टैक्सी स्टैंड है, टैक्सी ने जहां पर हमें उतारा, बस उसी से कुछ कदम चल के हमें एक होटल दिखा। बहुत ही सिंपल सा, बहुत ही इकोनॉमिकल सा था। हमने बाहरी भैया से पूछा कि आप कितने रुपये लेंगे, उन्होंने बोला 800 रुपये। हमने बोला नहीं भैया आप 500 रुपये ले लो, बट वो नहीं माने, तो उनको हमने 600 रुपये दिए, मतलब 300-300 रुपये ईच हमें दोनों को आए, और ये रूम डिसेंट सा हमें मिल गया उत्तरकाशी में मेन रोड पे, जहाँ से हमें नेक्स्ट डे गंगोत्री के लिए फिर से ट्रैकर लेनी थी। तो बस ऐसे ही कुछ थोड़े से फ्रूट खा के हम सो गए, और अगले दिन सुबह हमारी हुई उत्तरकाशी में, जहाँ से हमें अपनी यात्रा की शुरुआत करनी थी गंगोत्री के लिए, क्योंकि ये पहला दिन था और पहले दिन बहुत सारे लोग गंगोत्री
टेम्पल जा रहे थे, कपाट खुलने वाले थे मंदिर के, तो बहुत ज़्यादा रश था। सुबह से ही उत्तरकाशी में हलचल सी सुनाई दे रही थी, आसपास ढोल नगाड़े बज रहे थे क्योंकि लोग देवता लेके जाते हैं अपने घर से, अपने गांव से, तो बहुत अच्छा माहौल था ऑल अराउंड उत्तरकाशी। और मुझे लगता है 500 से 1000 रुपये के बीच में आपको उत्तरकाशी में रहने की व्यवस्था मिल जाएगी। और उसके बाद ये टैक्सी स्टैंड है जो कि उत्तरकाशी में आप किसी से भी पूछेंगे आपको पता चल जाएगा। वहाँ एक बस स्टैंड भी है जहाँ से बस भी जाती है, पर फिर बस का वही सीन था कि मॉर्निंग में चलती है और क्योंकि चारधाम यात्रा का, गंगोत्री का ये पहला ही दिन था तो बस का टाइमिंग कुछ फिक्स नहीं था, तो हमने फिर से ट्रेकर ली जिसने हमसे 300 रुपए लिए उत्तरकाशी से गंगोत्री के लिए। और ये भी शेयरिंग टैक्सी थी जिसमें 10 से 12 लोग बैठ के जाते हैं और बहुत ही सुंदर रास्तों से होते हुए, छोटे छोटे गांव से होते हुए नज़ारे इंजॉय करते करते हम पहुंच गए एक स्टॉप में जहां पर हमें स्टॉप लेना नहीं था पर लेना पड़ा क्योंकि वहां पर ट्रैफिक जाम लग गया था, बहुत लंबा ट्रैफिक जाम लग गया था और हमें वहां पर उतरना पड़ा। तो उतरे ही थे तो हमने सोचा कि चलिए कुछ चाय और पराठों का आनंद ले लिया जाए सुंदर से नज़ारे के साथ, तो बस हमने वही किया। कुछ 40 रुपये का ये पराठा था, रेट के हिसाब से वर्थ था और चाय ठीक ठाक थी। उसके बाद हम फिर से निकल पड़े गंगोत्री के लिए। कुछ करीबन 4 से 5 घंटे लगे हमें, 4-5 घंटे लगे क्योंकि ट्रैफिक था इसलिए, और पहला दिन भी था जैसा मैंने आपको बताया गंगोत्री धाम के कपाट खुलने का, तो रास्ते में ये लंबे लंबे ट्रैफिक जाम लगे हुए थे। तो यात्री इतने ज़्यादा नहीं हैं अकॉर्डिंग टू चार धाम जितने होते हैं, पर ये जैम इसलिए लगा था क्योंकि CM आए थे मंदिर के कपाट खुलने की, जो सेरेमनी होती है जब कपाट खुलते हैं तो वो वहाँ पर आए हुए थे, इसलिए सारी गाड़ियों को एक साथ रोका गया था, फिर एक साथ सब गाड़ियों को जाने दिया गया और कुछ इस तरीके से हम पहुँच गए गंगोत्री। यहाँ पहुँचने के बाद तो नज़ारे ही कुछ अलग थे, फील्स ही अलग थी। और क्योंकि हमें गंगोत्री में स्टे नहीं करना था तो भी मैं आपको ऑप्शंस बताऊंगी आप क्या कर सकते हैं। गंगोत्री से 30 किलोमीटर पहले पड़ता है हर्षिल, जो कि एक छोटा सा गांव है, हर्षिल वैली है। इसके ऊपर मैंने सेपरेट वीडियो बनाया है जो आप देख सकते हैं मेरे चैनल पे। पर अगर आप वहाँ नहीं रुकना चाहते हैं तो गंगोत्री में बहुत सारी रहने की व्यवस्था है, जैसा कि आप देख सकते हैं बहुत सारे होटल्स हैं, होम स्टे हैं। साथ ही साथ अगर आपको पैसे नहीं खर्चने हैं तो आप किसी आश्रम में जाकर भी रुक सकते हैं। गंगा नदी के उस पार मंदिर से जब आप जाएंगे तो आपको बहुत सारे आश्रम नजर आएंगे, आप आश्रम में पता कर सकते हैं, डोनेशन के लिए आप थोड़ा बहुत दान कर सकते हैं। और इस तरीके के भंडारे भी बहुत चल रहे होते, तो खाने के लिए भी आपको मुझे नहीं लगता कि बहुत ज्यादा पैसा खर्चने की जरूरत है गंगोत्री में। मुझे लगता है प्रसाद आप लीजिए, भंडारे का प्रसाद लेते हुए और जगह का आनंद लेते हुए वादियों में बहुत ही खूबसूरत सा माहौल हो जाता है, लाइक सब कुछ एकदम प्योर सा फील होता है क्योंकि ऑब्वियसली आप गंगोत्री धाम में हो, आपको चारों तरफ बस मंत्र उच्चारण, लोगों की अच्छी बातें और वो साफ वातावरण, वो सब कुछ बहुत ही पॉजिटिव लगता है। तो बस ऐसे ही हम मंदिर के अंदर जब एंटर हुए बहुत ही तेज़ हवाएं चल रही थी, थोड़ा सा बारिश वाला मौसम भी हो गया था, पर हमें दर्शन बहुत अच्छे से बहुत ही शांति से हो गए। और जैसा आप देख रहे हैं मंदिर का माहौल कितना ज़्यादा सुंदर है, हमने कुछ 2 से 3 घंटे मंदिर प्रिमाइसेस में ही बिताए, बैठे थोड़ी देर पूजा की। उसके बाद हम निकल पड़े हर्षिल के लिए और हर्षिल में हमें स्टे के लिए कितना कॉस्ट हुआ, क्या हुआ, वो सब कुछ आपको हर्षिल वाले वीडियो में पता चल जाएगा, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी आप वो देखिए। पर अगर आप गंगोत्री में स्टे करना चाहते हैं तो आपको 800 रुपये से लेके 2000 रुपये के बीच में स्टे मिल जाएगा, और जितना ज़्यादा आप खर्च करेंगे क्योंकि अभी सीज़न का टाइम है, डेफिनेटली अराउंड 2000 भी पहुंच जाएगा, पर 800 से 2000 के बीच में आपको आराम से स्टे मिल जाएगा। आप थोड़ा सा बार्गेन ज़रूर कराइएगा और ट्राई कीजिएगा कि मेन मार्केट वाले एरिया में ना ढूंढें क्योंकि वहाँ पर रेट थोड़े ज़्यादा होते हैं। और इसी के साथ गंगोत्री धाम की जो यात्रा है वो हमारी संपूर्ण हुई, पूरी हुई।
ओके जी, तो आई होप आपको ये पूरा वीडियो विस्तार से समझ में आ गया होगा और आपको सारी जानकारी मिल गई होगी, इन्फॉर्मेशन मिल गई होगी जो भी आप मुझसे पूछ रहे थे इन प्रीवियस वीडियोस. सो आई होप आपको सारे आंसर्स मिल गए होंगे. इफ इन केस अभी भी कोई ऐसा सवाल है जो दिल्ली से गंगोत्री यात्रा के दौरान या गंगोत्री यात्रा के दौरान जो मैंने मिस किया हो या आपको जानना है, तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं. मैं एक कमेंट पिन कर दूंगी, उसके नीचे आप मुझसे कोई भी सवाल पूछ सकते हैं, मैं वहां पर जवाब जरूर दूंगी आपको. और अभी के लिए इस वीडियो को यहाँ पर एंड करते हैं. अगले वीडियो में मैं आपको ऐसे ही विस्तार से यमुनोत्री यात्रा का बजट और सब चीजें बताऊंगी. टिल देन, इफ यू हैवंट सब्सक्राइब टू माय चैनल, सब्सक्राइब टू माय चैनल, यही मेरे लिए मोटिवेशन है. और लाइक कीजिएगा वीडियो को, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों और फैमिली के साथ. एंड यस, विल सी यू विद अनदर वीडियो वेरी सून. टिल देन, टाटा, बाय बाय, नमस्ते.